अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, हमारे मुल्क की जो टोटल जरूरत है बिजली की, एक टर्मिनोलॉजी में उसको हम कहते हैं 24,000 मेगावाट, 24,000 मेगावाट पीक आवर्स में। इस 24,000 मेगावाट में जो अभी पिछले साल तक हमारे पास कमी आती थी पीक आवर्स में, वो 8,000 मेगावाट थी। तो आप समझ लें कि हर शहर में 8 घंटे बिजली जाना तो यकीनी था ही था। अब वो ये होगा कि बड़े शहरों में बिजली कम जाएगी, 8 घंटे से कम गई तो छोटे शहरों में 8 घंटे से ज्यादा जाएगी, ये हो रहा था हमारे साथ। तो हमारी टोटल जरूरत 24,000 मेगावाट थी, जिसके लिए हम फंसे हुए हैं। 30-35% पानी से बनाते हैं, बाकी तकरीबन 25-27% हम गैस जला के बनाते हैं, फ्यूल से बनाते हैं, और बाकी कुछ फीसद न्यूक्लियर फलां फलां से बनाते हैं। अब मजे की बात हमारे पास ये है, काबिल अफसोस, गिलगित बल्तिस्तान में जो सिर्फ पानी है उससे बिजली बनने का पोटेंशियल 2,00,000 मेगावाट है। यानी हम पाकिस्तान के बराबर 10 मुल्कों को गिलगित बल्तिस्तान के पानी से बिजली दे सकते थे। गिलगित बल्तिस्तान इतना अमीर है, ये गिलगितियों बल्तियों ने भी नहीं सोचा होगा। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ इसमें अमीर नहीं है, और भी बहुत सारे अमीर हैं ये, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि ये दुनिया के वो अमीर हैं जो गरीब तरीन लोग हैं। खैर, इसकी एक कहानी अलग है। तो हमारा और नॉर्वे का ये मामला चल रहा है, तो हम लोग उनके मुकाबले में एक काम कर रहे हैं जिसकी हमें सजा मिल रही है, उसको हम कहते हैं कुफरान नेमत। जब कोई कौम कुफरान नेमत करती है तो उसको बहुत सख्त वक्त उठाना पड़ता है। हम कुफरान नेमत कर रहे हैं। एक और बात भी अर्ज करता चलूं ताकि बात इस चैप्टर में कंप्लीट हो। आपको याद होगा हमारी टोटल नीड कितनी है बिजली की, 24,000 मेगावाट। गिलगित बल्तिस्तान हमें 2,00,000 मेगावाट पानी से दे सकते हैं, पानी ग्रीन एनर्जी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें पैसा आएगा कहां से? अगर हम मुल्क से चोरी ना करें तो आ जाएगा, लेकिन जाहिर है हमने चोरी करनी होती है, तो जो मुल्क से चोरी करने वाले हैं उनके पास पैसा कहां से आएगा? वो बेचारे खुद अपनी जेबों को भर रहे होते हैं, तो इस खातिर हमारे डैम नहीं बन रहे। हमारे पास एक और ऑप्शन भी था भाई, ऐसा है कि हमारे पास एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं विंड कॉरिडोर। विंड कॉरिडोर वो कैसे? आज सुबह ही मैं काफी वक्त प्लान करने के बाद हिरन मीनार देखने गया। हिरन मीनार आप में तकरीबन काफी लोगों ने देखा हुआ होगा बाहर, तो अगर आपने उसके बीच के पवेलियन को देखा हो जो पानी के बीच में बना हुआ है, और आपने उसकी आर्किटेक्ट को नोट किया हो, तो उस पवेलियन के बीच में जो कमरा बना हुआ है उससे पहले उन्होंने छोटा सा कोर्टयार्ड टाइप का बनाया हुआ है, उसके अंदर हवा को घुमाने के लिए उन्होंने एंगल्स दिए हुए, हवा को घुमाने के लिए सिर्फ दो साइड पे छोटे छोटे आउटलेट्स बाहर से नजर आ रहे हैं। जो 8 पहलू हैं उसमें सिर्फ 2 में वो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, शायद कोई देख भी नहीं पाता होगा, वो एयर प्रेशर को निकालने के लिए लगे हुए हैं कि अगर हवा बहुत ज्यादा तेज हुई तो क्या होगा, तो वहां से एयर प्रेशर रिलीज हो पाएगा। मेरा अपना ख्याल है, जो मैं समझ पाया हूं वो इसलिए। तो हमें और आपको एक बहुत सिंपल लॉजिक पता होती है, वो ये कि अगर कहीं पर गर्म हवा होती है तो वो ऊपर जाती है, और ठंडी हवा उस जगह को फिल करती है जहां से गर्म हवा ऊपर जाती है। तो आप कराची को सोचिए, कराची के जुनूब में समंदर है जिसपे पानी की वजह से हवा निस्बतन ठंडी होती है। कराची से थोड़े फासले पर तकरीबन 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर ले लीजिए एक सहरा है, एक सहरा है, सहरा में हवा गर्म होती है। अच्छा, जैसे ही सहरा में हवा गर्म होती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो वो वैक्यूम क्रिएट करती है। ये जो वैक्यूम होता है ये ठंडी हवा इसको भरती है। तो समंदर की हवा 200-250 किलोमीटर भागती भागती आती है इस सहरा की हवा के वैक्यूम को फिल करने के लिए। जब समंदर की हवा यहां तक आती है तो फिर गर्म हो जाके ऊपर जाती है, और वो परमानेंट गर्म रहता है, ये परमानेंट ठंडा रहता है, और ये हवा चलती रहती है। तो ये जो कराची में आपको ब्रीज नजर आती है, समंदरी हवा, ये इस वजह से नजर आती है क्योंकि वो सहरा इसको गर्म करता रहता है और वो समंदर उसको ठंडा करता रहता है, और गर्म हवा ऊपर जाती रहती है, ठंडी हवा आती रहती है। ये जो हवा चल के वहां तक जाती है इसका नाम है विंड कॉरिडोर। विंड कॉरिडोर, हवा की राहदारी।
ये जो विंड कॉरिडोर होता है ये आइडियल होता है विंड टर्बाइन्स लगाने के लिए। यहां पर अगर आप विंड टर्बाइन्स लगाएं तो आपको हमेशा बिजली मिलेगी। जब तक सहरा सहरा है, जब तक समंदर समंदर है, समंदर ठंडा है सहरा गर्म है, हवा चलेगी और बिजली बनेगी। सिंध में जो विंड कॉरिडोर्स हैं दो तीन प्रोमिनेंट हैं, ये वाकई बड़ी तकलीफदेह चीज है। सिंध में जो विंड कॉरिडोर्स हैं इनकी बिजली की पोटेंशियल्स 50,000 मेगावाट है। सही है। तो अगर हम सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को लें 2 लाख और सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान के विंड कॉरिडोर्स को लें तो 50,000, तो हमारे पास 2.5 लाख मेगावाट ग्रीन एनर्जी का पोटेंशियल है और हमें सिर्फ 24,000 चाहिए जिसके लिए हम 8 घंटे ख्वार हो रहे हैं। सही है। अच्छा अभी मैंने सूरज को काउंट किया है क्या? नहीं। यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं कि अगर एक साल में 165 दिन सूरज निकल आए तो सोलर एनर्जी फिजिबल है। कराची जैसे शहर में 300 दिन सूरज निकलता है। सोलर एनर्जी कितना फिजिबल है अल्लाह जानता है, और पूरे पाकिस्तान में कितना फिजिबल है बस खुदा ही जानता है। लेकिन क्या हमने कोई फायदा उठाया? इसको हम कहते हैं कुफ्रान नेमत।